हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग और शोइंग अबाउट द हाउ वी मार्क द कंटेनर पोजीशन, व्हाट इज़ द बे, रो एंड टियर। सो दिस वीडियो इज जनरली फॉर दोज, एक्चुअली लॉट्स ऑफ द पीपल आस्क दैट हाउ, व्हाट इज़ द बे, रो एंड टियर इन द कंटेनर शिप एंड हाउ वी लोड द कार्गो इन द कंटेनर शिप। So basically this question is asked in the oral also when you are going to give the second MET exam. So in the orals surely this question will be asked. So for that reason lots of the people ask from me that how the containers are marked, containers loading position, stowing position, basically this is called as a stowage position marked. So I will be showing, क्योंकि काफ़ी लोग को ये doubt होता है कि बे किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं और टियर किसको कहते हैं। तो अभी ये जो शिप का लेंथ है आगे से ये पीछे तक है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन ये पीछे आपको ऐसे आप देख सकते हो, और ये अलग अलग हैच कवर है, अलग अलग बे है। तो ये जो बे होता है ना, इसे बे मार्क कहते हैं। अभी आप देख सकते हो ये 82 है और ये 78 है, ये 78 है। तो जो बे मार्क किया जाता है ना, वो इस डायरेक्शन में किया जाता है, शिप के आगे से पीछे। दैट मीन्स कि शिप का जो फॉरवर्ड टू आप डायरेक्शन में जो मार्किंग किया जाता है उसको बे मार्क कहते हैं। और वो हर एक बे मार्क लिखा हुआ भी रहता है, हर एक हैच कवर के साइड में, शिप के साइड में लिखा हुआ रहता है, हैच कवर के बेसिकली साइड में लिखा हुआ रहता है। और जो रो होता है वो शिप के अथवार्ड डायरेक्शन में, जो शिप का जो चौराई होता है ना, ये जैसे शिप का चौराई है लेफ्ट टू राइट, पोर्ट टू स्टारबोर्ड, ये शिप का चौराई है। तो जो इस डायरेक्शन में जो मार्किंग क्या रहता है उसको रो कहते हैं। तो रो है ये, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे 15 13। तो स्टारबोर्ड साइड जो होता है ना वो आपको ऑड नंबर में होता है, लाइक आई कैन शो यू, इधर से बेटर दिखेगा। ये आप देख सकते हो मार्किंग 1, ये रो है 1 3 5, ये 7 9 11 ऐसे। और जो पोर्ट साइड है, ये सेंटर है जहाँ आप 0 1 देख रहे हो ना, और 0 2 और 0 2 के बीच का जो ये लाइन है ना, ये शिप का सेंटर लाइन है, शिप का सेंटर पार्ट है ये। और जो पोर्ट साइड है वो इवन नंबर में मार्क किया जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओरल्स में, तो ये पूछता ही सर्वेयर कि जो मार्किंग किया रहता है वो मार्किंग कैसे किया रहता है, और जो इवन नंबर होता है किधर होता है, ऑड नंबर किधर होता है। तो ये रो का मार्किंग है, दिस इज़ रो मार्किंग। सो स्टारबोर्ड साइड हमेशा ऑड नंबर रहता है 1 3 5 7, और जो पोर्ट साइड होता है 2 4 6 8 9 10 11 18, ये डिपेंड करता है शिप का ब्रेथ के ऊपर कितना चौड़ाई है। तो ये वैसे ये होल्ड है जिसमें हम लोग कंटेनर लोड करते हैं, देख सकते हो ये इस तरह लो। और ये तो हो गया, मैंने बे का बता दिया। बे का आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो एकदम लास्ट में मार्किंग किया हुआ है 78 77 79, एंड यू कैन सी 81 82 एंड 83, लास्ट वाला 83। अब ये बेसिकली क्या है, ये बे मार्किंग है जो मैंने आपको बताया, जो साइड वाला है, ये शिप का पीछे साइड है, पीछे से ये है ये आगे तरफ है। तो जो फॉरवर्ड टू आप डायरेक्शन में वो बे होता है। अब ये जो 82 है ये क्यों मार्किंग किया गया है, और 81 83 तीन है, तो बे नंबर तीन तो हो नहीं सकता। तो ये एक बे है जो आप ये पूरा देख रहे हो ना, ये एक बे है, और इसका जो बे नंबर है 82 है। और 81 और 83 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 81 और 83 बेसिकली ये जो कंटेनर होता है ये 40 फीटर, दो टाइप का कंटेनर होता है, 40 फीटर और 20 फीटर। तो बेसिकली बे का मार्किंग जो होता है वो 40 फुटर के अनुसार किया रहता है, लेकिन जब आपका 81 और 83 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि 81 और 83 ये बे नंबर भी है ओनली फॉर द 20 फुटर कंटेनर। जैसे आप देख सकते हो ये 20 फीटर कंटेनर है और वो 40 फीटर, वो लंबा कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, ये दो उसका आधा, दो छोटा छोटा कंटेनर होता है। तो दो टाइप के कंटेनर होते हैं मेनली, ऐसे तो काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेनली जो साइज का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दो टाइप के कंटेनर लोड किए जाते हैं, 20 फीटर एज पर द साइज और 40 फीटर। तो ये 20 फुटर है। तो अभी इसका जो पोजीशन मार्क किया जाएगा ना वो 81, जैसे ये इधर जो कंटेनर है इसका 81 और उसका 83,
और जो बीच वाला बड़ा कंटेनर है ना उसको 82, उसका जो पोजीशन मार्क किया जाएगा उसको 82 पोजीशन कहा जाएगा। तो ये बे मार्किंग, तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि बाकी ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं सर्वेयर लोग। और ये जो होता है ना ये भी ध्यान रखना, ये जो 82 मार्क किया हुआ ना ये भी जो इवन नंबर मार्क किया जाता है उसे बे नंबर बे वाइज मार्क किया जाता है और वो 40 फुटर होता है, और जो ऑड नंबर में मार्क किया जाता है 81 और 83 दैट इज़ द 20 फुटर दैट इज़ फॉर द 20 फुटर कंटेनर बे। ये हो गया आपको बे, रो मैंने बताया ये हो गया रो। अब टीयर कौन सा होता है, टीयर बेसिकली होता है जो लेवल जो एक पे एक हाइट पे लोड किया जाता है उसको टीयर कहते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, अभी ये जो कंटेनर लोड किया हुआ है नीचे से, तो नीचे से लोड किया हुआ है वन एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये कितने हाई पे है तो वो हाइट जो है ना उसको टीयर बोलते हैं। तो कौन से टीयर पे लोड है, तो वो अभी जैसे ऑन डेक जो लोड होता है उसको 72 से मार्क करते हैं नीचे वाले, ये 72, 74, 76, 78, 80, 82, 22 का डिफरेंस पे हम लोग इसको मार्क किया जाता है। तो इस तरह करके ये हो गया ऑन डेक का ये हो गया। और जो नीचे का मार्क किया जाता है वो 02 से किया जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 दो दो का डिफरेंस है। तो जितने हाइट पे, तो स्टार्टिंग नीचे का अगर जो होल्ड के अंदर लोडिंग है तो वो 2, 4, 6, 8। तो जो टीयर होता है बेसिकली जो लेवल ऑफ द कंटेनर और लोडिंग ऑफ द रैक, रैकिंग स्टैकिंग आप उसको बोल सकते हो, या टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लोडिंग ऑफ द कंटेनर्स इज मार्क्ड एज द टीयर, आप इसको ऐसे डेफिनेशन में बता सकते हो। तो बेसिकली ये टीयर आपको सब, ये नीचे जो होल्ड में लोडिंग होता है ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि होल्ड में जो लोडिंग होता है किस नंबर से लोडिंग किया जाता है, तो होल्ड में जो लोडिंग किया जाता है 02 से स्टार्ट होता है, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 इस तरह, डिपेंड अपॉन कि हाइट ऑफ द लोड कितना है। तो ये हाइट बेसिकली हाइट स्टोरेज पोजिशन में तीन चीज़ का, तीन एलिमेंट होता है, रो जो अपना बे, रो एंड हाइट। तो बे हो गया जो आपका जो किस बे में लोड है, जो बे हो गया ये बे हो गया, रो हो गया किस रो में ये लोडेड है वो, और टीयर हो गया जो हाइट हो गया किस हाइट पे लोडेड है। तो इस तीन एलिमेंट से कंटेनर्स का तीन पोजीशन, स्टोरेज पोजीशन मार्क किया जाता है और उससे फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और ये होल्ड में 02 से स्टार्ट होता है और जो ऑन डेक होता है वो 72 से स्टार्ट होता है। तो ये दो चीज़ है, तो इतना चीज़, इससे ज़्यादा कुछ ओरल्स में कुछ पूछा नहीं जाता है, बस एक कंटेनर्स के बारे में जो स्टोरिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो ओरल्स में पूछे ही जाएंगे। अगर कंटेनरशिप जो बंदा कंटेनरशिप से, तो उससे तो पूछता ही है, नहीं उससे ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि वो सब जानता है, ये इसे पता ही होगा। लेकिन जो बंदा कंटेनरशिप से नहीं है, तो कंटेनर के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन तो मस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि स्टोरेज पोजिशन क्या होता है, हाउ वी मार्क द स्टोरेज पोजिशन, रो बे रो टीयर क्या होता है, बे कैसे मार्क किया जाता है, रो कैसे मार्क किया जाता है, टीयर कैसे मार्क किया जाता है। सो मैंने आज आपको लाइव एग्जांपल देके बताया कि कैसे बे रो, काफ़ी लोग इसको बे बोल देते हैं, जो ये आपका रो है ना इसको बे बोल देते हैं, ये बे होता नहीं, ये एक्चुअली रो होता है। तो अथवार्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड टू स्टारवर्ड डायरेक्शन में जो मार्किंग किया जाता है उसे हम लोग रो बोलते हैं, जहाज़ के फॉरवर्ड टू आफ्ट के डायरेक्शन में जो मार्किंग किया जाता है उसे हम लोग बे कहते हैं, और जो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप के डायरेक्शन में जो मार्किंग किया जाता है हाइट के डायरेक्शन में उसे हम लोग टीयर कहते हैं। बस तीन एलिमेंट है और तीन का डेफिनेशन मैंने बता दिया, इसको अपने हिसाब, ये मैंने सेल्फ लैंग्वेज में बताया डेफिनेशन समझाने के लिए, और आप अपना बुकिश के हिसाब से देख लो, और ये जो मैं बता रहा हूँ इतना भी बोल दोगे दैट विल बी इनफ। सो ये बेसिकली मैंने ओरल पर्पस ये वीडियो बनाया था, एग्जाम पर्पस पर, जो सेकंड मेट का एग्जाम देने जाओगे, इवन चिप मेट के एग्जाम में भी पूछता है, सेकंड मेट के एग्जाम में पूछता है, तो सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है, ये आपको कभी भी ये वीडियो रेफर कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा।